शनि को न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है। शनि को प्रसन्न करके व्यक्ति जीवन के कष्टों को कम कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कभी ग्रहों में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो इसका सीधा असर हमारी राशि पर पड़ता है, जिस वजह से कुंडली पर शनि बैठ जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में दुख भी आ सकते हैं और खुशियाँ भी आ सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनि के नाराज होने से व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। वहीं अगर शनि मजबूत नहीं है तो व्यक्ति को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो शनि की उतरती हुई 7.5 के दौरान लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल होती है तो वहीं रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। इस दौरान लोगों का मानसिक तनाव भी दूर होता है। शनि का राशि परिवर्तन साल 2022 में 22 अप्रैल को होगा, जिसमें शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों को राहत मिलेगी। इस दौरान धनु राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। 2022 में शनिदेव एक बार फिर से वक्री हो जाएंगे और इसी अवस्था में मकर राशि में गोचर करेंगे। 12 जुलाई को शनि की चाल फिर से परिवर्तित होगी, जिसके कारण धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। मगर कुंभ और मीन वालों को शनि की 7.5 रहेगी। 12 जुलाई को शनि की चाल फिर से परिवर्तित होगी, इसके कारण धनु राशि के जातकों को फिर से शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।